बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बहुमत प्राप्त कर सूबे में एनडीए की सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है। विधानसभा चुनाव में एनडीए में सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब बदलाव के मूड में है। नई सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राज्य में पहली बार दो उप मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है, लेकिन इस बार सुशील कुमार मोदी को दरकिनार कर कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद और बेतिया से विधायक रेणु देवी की उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मालूम हो कि एनडीए को विधानसभा चुनाव में 125 सीटें मिली, जिनमें भाजपा को 74, जदयू को 43 और हम व वीआईपी 4 सीट को 4-4 सीटें मिली हैं। गौर से देखा जाए तो भाजपा इस बार राज्य में पार्टी के पुराने दिग्गजों को किनारा कर नई टीम तैयार करने में जुटी है। सुशील मोदी के अलावा पिछली सरकार में पथ निर्माण मंत्री रहे नंदकिशोर यादव और कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को भी किनारे कर दिया गया। नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन अचानक विजय कुमार सिन्हा को इस पद के लिए उपयुक्त माना गया और सिन्हा अध्यक्ष बन गए। इस संबंध में पार्टी सूत्रों ने बताया कि परिवर्तन ही नियम है। पार्टी ने टीम में बदलाव के इतना तो साफ कर दिया है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, चीजें बदल गई हैं, नए लोगों को मौका दिया गया है। पार्टी नेतृत्व जिसका दायित्व दे रहा है वह निभा रहा है, इसके दूसरे मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है। नए चेहरों को जगह देकर भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी का साधारण कार्यकर्ता भी बूते शिखर पर पहुंचा सकता है। यह किसी पॉकेट और परिवार की पार्टी नहीं है कि एक परिवार की इच्छा ही चलेगी। भाजपा का नया अध्यक्ष कौन होगा यह कोई नहीं बता सकता। यहाँ मतदान केंद्र से लेकर बड़ा नेता भी अध्यक्ष और प्रधान बन सकता है।